हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हर रोज कत्ल, रंगदारी मामले, चोरी, डकैती की खबरें आम हो चुकी हैं। अब देश के सबसे बड़े हैंडलूम बाजार पानीपत में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हैंडलूम बाजार में दो बदमाशों के गुट आमने सामने हो गए, जिससे यहां के व्यापारियों में खौफ का माहौल बन गया है। ये सीसीटीवी की तस्वीरें पानीपत हैंडलूम बाजार की है, जिसे देश का सबसे बड़ा हैंडलूम बाजार कहा जाता है। यहाँ कुछ युवक हथियार लेकर इधर से उधर आते जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। वे किसी की हत्या करने के इरादे से इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ किसी की हत्या नहीं हुई। लेकिन यहाँ जो वाकया हुआ उसे देखकर सभी के मन में खौफ समा गया। प्रशासन की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे, उसके अंदर साफ पता लग रहा था कि आज हमारे शहर में, आज पानीपत के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। जिस प्रकार से कल खूनी तांडव यहाँ होने वाला था, उस प्रकार से बहुत साफ सुथरा था कि प्रशासन आज हमारा बिल्कुल जीरो हो गया है। हम लोग यहाँ व्यापारी है और आज डर के माहौल में जी रहे हैं। आज हमें सुरक्षा नाम की कोई चीज़ मुहैया नहीं कराई जा रही है। इस घटना के चश्मदीद बलजीत सिंह के मुताबिक, जब ये घटना हुई तब सभी डरे और सहमे हुए थे। हर कोई कहीं ना कहीं छुपकर अपनी जान बचा रहा था। के हाथ में गंडासी, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में कुछ, मतलब बहुत घातक हथियार ले रहे थे। तो हम डर के मारे अपनी दुकान के अंदर छुपे जाके, तो हमारे पीछे भी भागे कुछ लड़के। इतने मतलब दहशत में थे कि कोई पर्दे के पीछे छुपा, कोई चादर की ओट में, उनके चेहरे पे ऊपर इतनी आप दहशत देख सकते थे कि अगर किसी के हाथ वो कोई लड़का किसी के लग जाता तो खेल खत्म था जी उसका। इस पूरे मामले में डीएसपी जगदीप दुहन का कहना है कि मामले की जांच जारी है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इनको आइडेंटिफाई करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला किसके खिलाफ था, क्या चीज थी, इस संबंध में अभी तक कोई कंप्लेंट हमारे को प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी इसको हालात को देखते हुए और सरेआम डंडे लाठी लेके नर ये जो बच्चे घूम रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई करके कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई। इस घटना के बाद जहां हैंडलूम व्यापारियों में खौफ का माहौल है, वहीं इस घटना ने पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। आखिर कब तक प्रदेश में यूं ही अपराधी बेखौफ घूमते रहेंगे? पानीपत से देवेंद्र शर्मा, फोकस हरियाणा।